हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइए सिंधी में स्वागत है। और जैसा जैसा कि अभी ये दैनिक भास्कर एक न्यूज़ छपी है, इसमें क्या किया गया है कि बीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनका जो है कैलेंडर घोषित कर दिया गया है। तो जितना भी लोगों के मन में कयास थी कि अब होगा, कब होगा, जब हो, तो वो दूर करते हुए बीपीएससी ने अपना एक कैलेंडर जारी कर दिया है। और जिसमें मैक्सिमम आपको सभी जो है एग्ज़ाम्स हैं, जैसे 64th है, 65th है, और 60 से 62nd है, 63rd है, सबके बारे में यही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आइए हम इसको देखते हैं। देखिए, जैसे पहली न्यूज़ यहाँ पे आपको शो कर रही होगी कि जनवरी के अंत में क्या जारी होगा, बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो अगर आपने 64th का दिया है तो मान के चलिए जनवरी लास्ट तक मिल जाएगा आपका रिजल्ट। फिर आगे दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट देखिए कि बीपीएससी 64वीं संयुक्त परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट इसी माह के अंत तक जारी हो जाएगा, मतलब जनवरी के लास्ट तक आ जाएगा, और मुख्य परीक्षा मई के तृतीय सप्ताह में संभावित है। ठीक, मई के थर्ड वीक में संभावित है। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट अक्टूबर में आएगा, अक्टूबर तक अगर आप मेंस देंगे तो अक्टूबर तक आ जाएगा। और आगे देखिए, 2020 फरवरी के द्वितीय सप्ताह में मतलब वैलेंटाइन डे तक आपका रिजल्ट आ जाएगा फाइनल। तो हम चाहेंगे कि आपका आ जाए 14 फरवरी तक। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, बीपीएससी के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने गुरुवार को विभिन्न परीक्षा और परीक्षाफल प्रकाशन के लिए 2019 का कैलेंडर जारी कर दिया है। और 60 से 62वीं जो इसमें दिया हुआ है, 60 से 62वीं का बीपीएससी संयुक्त परीक्षा है, तो इसका फाइनल रिज़ल्ट इसी माह के सेकंड वीक में आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसी माह के सेकंड वीक तक जारी कर दिया जाएगा। और इसमें दिया है 63वीं बीपीएससी का मुख्य परीक्षा 12 से 17 जनवरी तक होगी, और ये मई के द्वितीय सप्ताह तक होगा इसका फाइनल। ठीक है, आगे देखिए, 30वीं बिहार न्यायिक सेवा के बारे में बताया गया है कि परीक्षा रिजल्ट एक सप्ताह में जारी हो जाएगा। तो बहुत ही तेज़ी से कार्य कर रहा है बीपीएससी, आपको इसमें दिख गया होगा। और नेक्स्ट देखिए, 65वीं बीपीएससी जो अभी आएगा एग्ज़ाम 65th का, ठीक है, तो इसके जो है सभी विभागों से अधियाचन मांगा गया है, जो 30 अप्रैल तक इनको मिल जाना चाहिए। और विज्ञापन का प्रकाशन जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगा। ठीक, और प्रारंभिक परीक्षा 65th की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो सितंबर में होगी, मुख्य परीक्षा जनवरी में। आप देखेंगे ये लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा के बारे में, मुख्य परीक्षा जनवरी 2020 के इस प्रथम सप्ताह में होगी, मुख्य परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में आएगा। ठीक, और साक्षात्कार मई 2020 में हो जाएगा, और अंतिम प्रकाशन जुलाई 2020 में होगा। ठीक, तो आपको एक तरह से समझ में आ गया होगा कि 2020 में दो रिजल्ट आएगा, एक 64वीं का भी आ जाएगा फरवरी तक, और 65वीं का भी जुलाई में आ जाएगा। तो अगर आप बीपीएससी की सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो मान के चलिए, अगर आपने 64th दिया है तो कॉन्टीन्यूस जब तक उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद जुलाई तक अगर आपकी रैंक खराब है तो इम्प्रूवमेंट की तरह 65th में का भी रिज़ल्ट जुलाई तक आ जाएगा। तो आगे देखिए, इसमें एक चीज़ दी हुई है कि 64वीं की संयुक्त परीक्षा मुख्य परीक्षा की डेट चेंज भी होगी, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है अप्रैल और मई में। ठीक, और एक चीज़ और है कि 65th संयुक्त परीक्षा जो है, इसके लिए जो समय में पर अधिसूचना प्राप्त होने पर ही विज्ञापन प्रकाशित होगा, मतलब कितनी वैकेंसी है सारे विभाग अपनी अधिसूचना दे देंगे, उसके बाद ही यह जारी होगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अपनी पढ़ाई करते रहिए, ये मान के चलिए 64वीं और 65वीं गोल्डन चांस है इस बार, क्योंकि जो 65वीं में भी उतनी ही वैकेंसी लगभग आएगी जितनी जो है 64वीं में आई है, थोड़ी बहुत इसमें कम होगी लेकिन जो है मान के चलिए ज़्यादा ही रहेगी। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग।